बसमिल्लर असलम डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इस लॉ को स्टडी करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं एक ऐसा सिस्टम कि जिसमें पार्टिकल आपस में तो इंटरेक्ट कर रहे हों लेकिन एक्सटर्नली उनके ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट ना हो रही हो तो ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है अलग थलग निज़ाम इसकी मिसाल मालिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन अ सिलेंडर एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो इसमें होगा ये कि पार्टिकल्स आपस में तो इंटरेक्ट कर रहे होंगे लेकिन उन गैस मालिक्यूल्स के ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रही होगी चलिए आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की जानेब इसकी स्टेटमेंट ये है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ़ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। इसके लिए शर्त है कि सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड होना चाहिए और इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर कोलेय एंड टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आफ्टर दोनों इक्वल होने चाहिए इसको हम मैथमेटिकली इक्वेशन के फॉर्म में कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलेय मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलेय तो आप यहाँ पर देख सकते होंगे इक्वेसन दाएँ जानेबी जो लिखी हुई है एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्राइम प्लस एम टू वी टू प्राइम इसी तरह इस लॉ को प्रूव करने के लिए हम कंसीडर करते हैं दो मैसिव ऑब्जेक्ट फर्स्ट वन इज ब्लू बॉल दैट इज मास एम वन मूविंग विद वेलोसिटी वी वन एंड द सेकंड ऑब्जेक्ट इज मास एम टू मूविंग विद विलासिटी वी टू वेन दे कोलाइड विद वन एन अदर तो ऑरेंज बॉल जो है जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है ये एफ प्राइम फोर्स एग्जर्ट करता है ऑन मैसिव ऑब्जेक्ट एम वन जिसको हम एफ प्राइम से डिनोट कर रहे हैं और फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैविंग मास एम वन जो फोर्स एग्जर्ट करता है ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट दैट इज रिप्रजेंटेड बाई एफ और इंटरेक्शन के बाद जो इनकी वेलोसिटीज़ हैं उनको हम एक्सप्रेस करेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को वी वन प्राइम से और सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को वी टू प्राइम से लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इम्पल्स जो है वो इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम जो है वो आती है तो उसी इक्वेशन का हम यहाँ सहारा लेंगे इम्पल्स एफ़ क्रॉस टी इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी तो पहली फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू सेकेंड ऑब्जेक्ट दैट इज़ एफ प्राइम तो लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ आएगा एफ प्राइम क्रॉस टी इज़ इक्वल टू अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है आफ्टर क्वलेजन और बिफोर क्वलेजन हम उनको इकट्ठा कर लेंगे तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा एम वन वी वन प्राइम माइनस एम वन वी वन इसको हम इक्वेशन नंबर वन का नाम दे लेंगे इसी तरह हम सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम की इक्वेशन जो है वो सेट कर सकते हैं तो सेकंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि फोर्स एफ एक्सपीरियंस कर रहा था तो एफ़ क्रॉस टी इज़ इक्वल टू एम टू एम टू वी टू प्राइम माइनस एम टू वी टू तो ये सेकंड इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी इसी अंदाज में हम इन दोनों इक्वेशंस को अब ऐड कर सकते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन एफ क्रॉस टी प्लस एफ प्राइम क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वन वी वन प्राइम माइनस एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्राइम माइनस एम टू वी टू तो हम इसमें इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे एफ़ और एफ प्राइम को कम्बाइन कर लेंगे टी जो है वो कॉमन आ जाएगा न्यूटन थर्ड लॉ आप लोगों के जहन में पहले से मौजूद होगा आपको मालूम है उसकी स्टेटमेंट के एक्शन का रिएक्शन होता है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन तो उसी लॉ का हम सहारा लेते हुए एफ प्राइम को सेट करेंगे इज इक्वल टू एफ तो एफ़ इज़ इक्वल टू माइनस एफ प्राइम तो रिप्लेसिंग दिस थर्ड लॉ इन दिस इक्वेशन माइनस एफ़ प्लस एफ इन टी यहाँ टना चाहिए था इज इक्वल टू एम वन वी वन प्राइम माइनस एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्राइम माइनस एम टू वी टू तो दिस इक्वेशन जो है वो सिफर हो जाएगी जबकि राइट हैंड साइड पर जो टर्म्स आ रही हैं इसमें से जो विदाउट प्राइम हैं उनको आप एक तरफ ले जाएं और जो विद प्राइम वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ लिख लें तो फाइनल जो रिज़ल्ट सामने आएगा दैट इज़ एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्राइम प्लस एम टू वी टू प्राइम तो ये साबित हो जाएगा कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलेय दैट इज़ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलेहयन दैट इज राइट हैंड साइड ऑफ दिस फाइनल इक्वेशन थैंक यू